नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाकवि भर्तृहरि के श्रृंगार शतक में मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। आज एक बड़ा सुंदर श्लोक देखते हैं। स्वपर प्रतार को सौ निंदन्ति यो अलीक पंडितो युवती। स्वपर प्रतारकोशौ निंदति यो अलीक पंडितो युवती यस्मात् तपसोपि फलम स्वर्गः स्वर्गेपि चाप्सरसा। भैया, पंडित लोग जो आपको ये पढ़ाते हैं ना कि दूर रहो, स्त्रियों से दूर रहो, स्त्रियों की निंदा करते हैं, काम को आपका शत्रु बताते हैं, भैया ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। चलिए, वो आपको जो कुछ सिखाते हैं उससे क्या करवाना चाहते हैं? आप ऐसा करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आप ऐसा करेंगे तो आप संसार के बंधनों से छूट करके और एक श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेंगे। भैया, कितना भी पुण्यों का अर्जन कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, उससे आपको मिलेगा क्या? स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना। पुण्य इसीलिए तो एकत्रित करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाए। तो भैया, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे तो स्वर्ग में जाकर के क्या मिलेगा? वहां भी तो अप्सराएं मिलती हैं, इसीलिए तो स्वर्ग में जाना, क्योंकि वहां अप्सराएं हैं। तो भैया, पुण्य का फल स्वर्ग और स्वर्ग का फल अप्सरा है। तो मरने के बाद स्वर्ग जाए और फिर अप्सराओं का भोग करें, इससे बढ़िया इस दुनिया में जब तक है तब तक तुम काहे के लिए इन सब की निंदा कर रहे हो? भैया, ये जो लोग इस प्रकार से निंदा करते हैं, वास्तव में उन्हें जीवन का सार ही पता नहीं है। जीवन का सार मरने के बाद भी अप्सराओं के रूप में है। तो भैया, जीते जी जो इस पृथ्वी की अप्सराएं हैं उनसे दूर भागने की बात काहे के लिए करते हो? चतुर्वर्ग संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बड़ा सुंदर लिखा है, भाई किसी ऋतु का फल क्या है कि सुंदर फलों की प्राप्ति हो? गर्मी है तो आम मिलेंगे, ठंडी है तो ठंडी का फल मिलेगा। तो प्रत्येक ऋतु आती है और अपना एक फल लेके आती है, यही ऋतु का फल है। आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उसका फल क्या है? पुण्यों की प्राप्ति करना। आप बड़े बड़े धर्मों का आचरण करते हैं तो धर्म आचरण का फल क्या है? पुण्यों की प्राप्ति करना। तो ये पुण्य का फल क्या है? तो बोले इंद्रलोक जाना, यानी स्वर्ग जाना। तो स्वर्ग किसको कहते हैं? तो जहां चारों तरफ से आपके ऊपर स्त्रियों की वर्षा हो, यानी एक अप्सरा, दो अप्सरा, तीन अप्सरा, अरे आप अप्सराओं से घिरे रहें, इसी का नाम तो स्वर्ग है। तो भे जब अप्सराओं से घिरना ही स्वर्ग है तो इस पृथ्वी पे उनके परित्याग की बात तो बिल्कुल बेकार है। अहो धार्ष्ट्यम असाधुना निंदता मन घास्त्रिया, वही बाराही संगीता। ये कहते हैं कि ये तो असाधु लोग हैं और उनकी धृष्टता तो देखो, स्त्रियों की निंदा करते हैं, ये तो अनग होती हैं, इनमें तो कोई पाप ही नहीं होता है, जिनमें किसी प्रकार का पाप नहीं उनको पाप का मूल बताते हैं। भाई, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। और ये जो कहते हैं वो पंडित नहीं, वो तो असाधु है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। वैसे तो स्त्रियों की निंदा करना ये कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसी को अपना आधार बना रखा है। कुछ तो दर्शन से बचने की बात करते हैं, स्पर्श की तो बात जाने दो। जो जो करे, संसार में अगर आए हैं तो आनंद अगर प्राप्त नहीं किया तो भर्तृहरि कहते हैं कि जीवन बेकार है।